हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान में वन रक्षक वनपाल कैसे बने, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, कैसे रिक्वायरमेंट निकलती है और इस बार जो रिक्वायरमेंट निकली हुई है इसमें कितनी पोस्ट है और कैसे एग्जाम होगी, कितने फेज में एग्जाम होगी और क्या सिलेबस होता है, क्या प्रक्रिया होती है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है और आप कैसे फ्री में पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं वन रक्षक वनपाल की। स्टूडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, तो पेशेंस बना के वीडियो एंड तक देखते रहे। जिस तरह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप राजस्थान वन रक्षक वनपाल की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप जनरल साइंस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जनरल साइंस आप मुझसे पढ़ सकते हैं भारत के नंबर वन लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर जनरल साइंस आप मुझसे पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्ले स्टोर से लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी। डाउनलोड करने के बाद उसको रजिस्टर करें, साइन इन करें मोबाइल नंबर से। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, गोल सेलेक्ट करना होगा रेलवे एग्जाम। मैं जनरल साइंस रेलवे एग्जाम में पढ़ा रहा हूं तो रेलवे एग्जाम आपको गोल सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको फ्री लाइव क्लासेज में जाना है क्योंकि सारी क्लासेज मुफ्त है, फ्री है, तो फ्री लाइव क्लासेज में जाना है। उसके बाद में नाम सर्च करना है अरविंद कुंडारा में, वहाँ पर मिल जाऊँगा, आप प्रोफाइल पे फॉलो कर लो और जेन्यून 10 कूपन कोड लगाकर, प्रोमो कोड लगाकर, GENUINE 10 जेन्यून 10 प्रोमो कोड लगाकर आप मेरी क्लास ले सकते हैं। अभी 11 बजे मेरी क्लासेस क्लास को लीजिएगा और जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान में वन रक्षक और वनपाल की जो वैकेंसी है 2020 के एंड में निकली थी दिसंबर के अंदर और उसके बाद में 2021 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जा चुका है, अभी तक कोई एग्जाम का आता पता नहीं है। फॉर्म भर चुके हैं, फॉर्म सारे भर चुके हैं लेकिन एग्जाम कब तक होगी इसका कोई पता नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वनपाल वनरक्षक भर्ती में क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कितनी पोस्ट हैं, तो 1128 पोस्ट निकली थी दिसंबर के अंदर जो रिक्रूटमेंट आई थी उसके अंदर, और RSMSSB बोर्ड जो आपका अधीनस्थ बोर्ड है राजस्थान का वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाला है। इसके अंदर 1128 पोस्ट के अंदर वनपाल की जो पोस्ट हैं वो हैं 87 जो 12वीं स्टैंडर्ड के बाद आप फॉर्म लगा सकते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। अगर हम वनरक्षक की बात करें, फॉरेस्टर की बात करें, तो यहाँ पर जो है 1041 पोस्ट है आपकी वनरक्षक की और 10वीं पास इसमें जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो टोटल जो है 1128 पोस्ट निकली हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों ने फॉर्म लगाया है यहाँ पर। और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, तो रिटन एग्ज़ाम होगी सबसे पहले, उसके बाद में फिजिकल होगा और फिजिकल इस बार फिजिकल के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, फिजिकल ओनली क्वालिफाई रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा जो रिटन एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में 5 गुना बच्चों को पास किया जाएगा फिजिकल के लिए, 5 गुना बच्चों को पास किया जाएगा फिजिकल के लिए। उसके बाद फिजिकल ओनली क्या होगा, क्वालिफाई होगा। इसके अंदर आपकी दौड़ वगैरह रहती है, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग रहती है, ठीक है ना भाई। तो फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका फाइनल डे भी हो जाएगा और शायद जो है वनपाल के लिए इंटरव्यू पोस्ट है तो नॉर्मल आपकी इंटरव्यू होगी। अब हम बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, तो क्वेश्चन आएंगे 100 पेपर में, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, सेम होगा दोनों का, वनरक्षक का भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और वनपाल का भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है भाई। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 नहीं रहेगी इस बार, नेगेटिव मार्किंग इस बार 1/3 रहेगी, तो 1/3 मतलब 1/3 जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 सही क्वेश्चन जो है वो भी चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सिलेबस क्या है, राजस्थान के विशेष संदर्भ में GK। अब यहाँ पर लिखा हुआ था कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में GK, तो विशेष संदर्भ, विशेष संदर्भ का मतलब राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, वो सारी चीज़ें आ गई। इसके अलावा इंडिया लेवल की स्टैटिक GK भी इसमें आएगी, और रही बात इतिहास भूगोल ये सारी चीज़ें आएंगी, विज्ञान के अंदर भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो फैक्ट होते हैं, चाहे वो बायोलॉजी के हों, चाहे वो इन्वायरमेंट के हों, चाहे वो करेंट के हों, सारे फैक्ट इसमें आने वाले हैं। करेंट अफेयरेंस तो आएगी नेशनल लेवल की, राजस्थान लेवल की, दोनों लेवल की करेंट अफेयरेंस आने वाली है, और मैथमेटिक्स आने वाली है। तो मैथमेटिक्स में जो जनरल मैथमेटिक्स होती है, जो अर्थमेटिक होती है, अंक गणित जिसको आप बोलते हो, CISI, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ऐसे टॉपिक आएंगे, वर्क एंड टाइम, ऐसे टॉपिक आने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा और रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक आ सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस है और ये आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न है और इतनी पोस्टें हैं, तो तैयारी जारी कर दो
अभी समय है, ये जो लॉकडाउन है इसमें आप पढ़ सकते हैं, फ्री में पढ़ सकते हैं अनएकेडमी से। मैं अनएकेडमी पर जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे कि आपके वन रक्षक वनपाल में आने की पूरी पूरी संभावना है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि वन रक्षक वनपाल की एग्जाम कब तक हो सकती है, तो आपको पता है कि अभी तो कोविड चल रहा है और कोविड के चलते सभी एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड है, चाहे वो स्कूल की एग्जाम हो, कॉलेज की एग्जाम हो, सभी कॉम्पिटिशन लेवल की एग्जाम हो, चाहे आपके रीट की एग्जाम हो, पटवारी की एग्जाम हो, सभी बड़ी बड़ी जो वैकेंसियां हैं वो सारी की सारी जो है पोस्टपोन्ड है। और वन परीक्षक वनपाल की एग्जाम भी अभी समय लगेगा, तो लगभग जो है अगस्त महीने के एंड तक आपकी एग्जाम होने के चांस बन रहे हैं। अगस्त सितंबर में आपकी एग्जाम हो सकती है, जैसे ही कोरोना की परिस्थितियां सामान्य होंगी तो अगस्त सितंबर में आपकी एग्जाम होने के चांस होंगे। तो वन रक्षक वनपाल की आप तैयारी करते रहें। मैंने आपको बता दिया कि कहां पर आपको तैयारी करनी है, फ्री में आप रेगुलर क्लासेस दे सकते हैं, MCQs टेस्ट वगैरह PDF वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो आप मुझे अनएकेडमी पर फॉलो करें, रेलवे एग्जाम में मैं पढ़ा रहा हूं वहां पर आप मुझे फॉलो कर लें, और रेगुलर मेरी क्लासेस होती हैं 11 बजे, शाम 4 बजे, 8 बजे, तो आप क्लास ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।